आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं, भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। एक थे महात्मा विदुर। महात्मा विदुर की पत्नी का नाम पारसम्भी था। पारसम्भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति प्रेम था। महात्मा विदुर हस्तिनापुर के मंत्री होने के साथ साथ आदर्श भगवत भक्त, उच्च कोटि के साधु और स्पष्टवादी थे। यही कारण था कि दुर्योधन उनसे सदा नाराज ही रहा करता था और समय असमय उनकी निंदा करता रहता था। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह से अनन्य प्रेम के कारण वे दुर्योधन द्वारा किए गए अपमान को सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। हस्तिनापुर के मंत्री होने के बाद भी उनका रहन सहन एक संत की ही तरह था। श्री कृष्ण में उनकी अनुपम प्रीति थी। इनकी धर्मपत्नी पारसम्भी भी परम साध्वी थी। भगवान श्री कृष्ण जब दूत बनकर संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पधारे, तब दुर्योधन ने उनके संधि प्रस्ताव को अस्वीकार करने के उपरांत उन्हें रात्रि विश्राम और भोजन आदि करने को कहा। भाव रहित दुर्योधन का यह आतिथ्य श्री कृष्ण ने अस्वीकार कर दिया। कारण पूछने पर श्री कृष्ण ने कहा, हे दुर्योधन, किसी का आतिथ्य स्वीकार करने के तीन कारण होते हैं, भाव, प्रभाव और अभाव। अर्थात तुम्हारा ऐसा भाव नहीं जिसके वशीभूत तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार किया जाए। तुम्हारा ऐसा प्रभाव भी नहीं है जिससे भयभीत होकर तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार किया जाए। और मुझे ऐसा अभाव भी नहीं है जिससे मजबूर होकर तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार किया जाए। इसके बाद श्री कृष्ण वहाँ से प्रस्थान कर गए। दुर्योधन के महल से निकलकर वे महात्मा विदुर के आश्रम रूपी घर पर पहुँचे। महात्मा विदुर उस समय घर पर नहीं थे तथा पारसम्भी नहा रही थी। द्वार से ही श्री कृष्ण ने आवाज़ दी, द्वार खोलो, मैं श्री कृष्ण हूँ और बहुत भूखा भी हूँ। पारसम्भी ने जैसे ही श्री कृष्ण की पुकार सुनी तो वह भाव के वशीभूत तुरंत वैसे ही स्थिति में दौड़कर द्वार खोलने आ गईं। उनकी अवस्था को देख श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर पारसम्भी पर डाल दिया। प्रेम दीवानी पारसम्भी को अपने तन की सुध ही कहाँ थी। उसका ध्यान तो सिर्फ इस पर था कि द्वार पर श्री कृष्ण हैं और वे भूखे हैं। पारसम्भी श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर अंदर खींचते हुए ले आई। श्री कृष्ण की क्षुधा शांत करने के लिए उन्हें क्या खिलाएं, यही कौतूहल उसके मस्तिष्क में था। इसी प्रेम उन्मत्त स्थिति में उसने श्री कृष्ण को उल्टे पीढ़े पर बैठा दिया और दौड़कर पारसम्भी अंदर से श्री कृष्ण को खिलाने के लिए केले ले आई। श्री कृष्ण के प्रेम भाव में वह इतनी मग्न थी कि केले छील छील कर छिलके श्री कृष्ण को खाने के लिए दिए जा रही थी। श्री कृष्ण भी पारसम्भी के इस अनन्य प्रेम के वशीभूत होकर केले के छिलके खाने का आनंद ले रहे थे। तभी महात्मा विदुर आ गए। वे कुछ देर तो अचंभित होकर खड़े रहे, फिर उन्होंने पारसम्भी को डांटा। तब उसे ध्यान आया और पश्चाताप करने के साथ ही अपने मन की सरलता से श्री कृष्ण पर ही नाराज होकर उनको उलाहना देने लगी। छिलका दीन्हे श्याम कह भूली तन मन ज्ञान, खाए पै क्यों आपने भूल गए क्यों भान। भगवान इस सरल वाणी पर हंस दिए। भगवान ने कहा, विदुर जी, आप बड़े बेसमय आए हैं। मुझे बड़ा ही सुख मिल रहा था, मैं तो ऐसी ही भोजन के लिए सदा अतृप्त रहता हूँ। अब विदुर जी भगवान को केले का गूदा खिलाने लगे। भगवान ने कहा, विदुर जी, आपने केले तो मुझे बड़ी सावधानी से खिलाए, पर ना मालूम क्यों इनमें छिलके जैसा स्वाद नहीं आया। ये सुनकर विदुर की पत्नी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि वो समझ गई कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय।